गोपालपुर गांव में एक सोने की दुकान थी और वो थी पवन सुनार की दुकान। पवन सुनार बहुत ही चालाक और झूठा था और उसकी बीबी माया वो भी बहुत लोभी थी। पवन दिन भर लोगों को ठगने के लिए नई नई तरकीबें सोचता था। अरे पवन, काम में बहुत व्यस्त लग रहे हो। अरे अरे, आइए आइए गोपाल भाई, मैं तो हर वक्त आपकी ही सेवा में रहता हूँ। बताइए बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए मुझे। अरे तुम्हें तो पता है कि मेरी बीवी को हर महीने नए नए गहने चाहिए। अगर मैं गहने नहीं दूंगा तो मुंह फूला कर बैठ जाती है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास गहने बनवाने आया हूँ। इस बार ना मुझे सोने का ना ब्रेसलेट बनाना है, पर ज्यादा सोना देना। सही बात है, जितना सोना उतना ही सोना मेरी जेब में भी जाएगा। कम सोना आप पे अच्छा नहीं दिखेगा, ज्यादा सोना पहनना चाहिए आपको। आप कितनी सुंदर दिखती हो। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अच्छा बताओ जरा, बोलो, शर्मा जी की पत्नी ने आपके पास गहने बनाने दिए थे ना? हाँ, सोने का ब्रेसलेट। अरे वाह, सोने का ब्रेसलेट, अच्छी बात है। मुझे भी वैसा ही एक ब्रेसलेट लेकर दो। कितने दिनों से मुझे इस जैसे ब्रेसलेट का शौक था। तुम्हें पता है कि सोने का ब्रेसलेट बनाने के लिए कितना सोना चाहिए? बहुत पैसा लगता है। ओफो, तुम उस शर्मा जी के बीवी के गहने के सोने से मेरे लिए अच्छा सा ब्रेसलेट बना दो ना। कुछ अलग से पैसे खर्च करने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए। मैं उसे आधा सोना दूंगा और आधी मिलावट कर दूंगा। क्या, कैसा दिमाग लगाया मैंने? मतलब आपका भी दिमाग चलने लगा है। मैं बाजू के गांव से आई हूँ बेटा, मेरी पोती की शादी है, उसके लिए सोने के गहने बनवाने हैं। ज्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत बनवाने हैं। देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके पास इतने पैसे होंगे। इतना गहना बना के कोई फायदा नहीं लग रहा है मुझे। अब ठीक है दादी जी, मैं काम कर दूंगा आपका। लेकिन मैं उधारी का धंधा नहीं करता हूँ। आपके पास अगर सोना नहीं है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, लेकिन उधारी में नहीं होगा, पहले से बोल देता हूँ। हाँ बाबा, इस बुढ़ापे में मैं किसी के पास भी उधारी नहीं रखूंगी बाबा, तुम चिंता मत करो। लेकिन इतने पैसे आप देंगे कैसे? सोना तो है नहीं दादी आपके पास। है ना, मेरे पास छोटी सी जमीन और छोटा सा घर है, वो तुम्हें दे दूंगी। ये सब बेच के मैं शादी करवा रही हूँ। अरे वाह, तो ठीक है। अभी गहने क्या क्या बनाने वो बताओ मुझे। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि दादी जी के पैसों से गहने का फायदा कैसे निकालूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जैसे सबसे करते हैं वैसे ही इस बार भी करना है, मुनाफा भी तो ज्यादा होगा ना। अरे उन पैसों के गहनों से जितना मैं मिलावट करूंगा ना, तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक काम करिए, बुड्ढी को सारे पीतल के गहने बना दीजिए और ऊपर सोने का पानी चढ़ा देना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे वाह, इसका मतलब पूरा का पूरा फायदा होगा मेरा। बताइए कैसा दिमाग है मेरे पास। अब इसके बदले मुझे कान के सोने के झुमके चाहिए जी, आपकी एक नहीं सुनूंगी। क्या बात कर रही हो भाग्यवान, वाह वाह। अपनी बीवी की बात सुन के पवन ने उस बूढ़ी औरत को नकली गहने बना कर दे दिए और उन्हीं झूठे गहनों से बूढ़ी औरत ने अपनी पोती की शादी कर दी। असली दिक्कतें तो शुरू हुई शादी के बाद। छी
छी छी, बहू ये कैसे गहने लेकर आई हो तुम अपने मायके से? तुम्हारी दादी ने ठगा है हमें। नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी बात मत कीजिए, मेरी दादी ने नहीं ठगा है आपको, उन्होंने अपना सब कुछ बेच के मेरी शादी करवाई है। आहा, कितना खर्चा किया वो दिखाई दे रहा था मुझे, ये सब गलत काम करके बुढ़िया तीर्थ यात्रा के नाम पर भाग गई है। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, चली जाओ अभी के अभी। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, यहाँ से चली जाओ। ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊँ? दुनिया में अब कोई नहीं है, एक दादी थी वो भी चली गई। उस पवन सोनार ने इतना बड़ा धोखा दिया, मेरा तो नसीब ही खराब है, इसीलिए तो ये सब हुआ है मेरे साथ। दुर्भाग्य लेके ही पैदा हुई थी मैं, उससे अच्छा मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। ऊपर वाले, अब मुझे नहीं जीना, मुझे उठा ले इस दुनिया से। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? अपने नसीब को इतना क्यों कोस रही हो बेटी? आप कौन हो? मैं भाग्य की देवी हूँ, तुम्हारे दुर्भाग्य के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो मेरी बेटी। सब गलती उस लोभी सोनार की है, उसे मैं सही सबक सिखाऊंगी, तुम चलो मेरे साथ, चलो। चाहिए बुढ़ी माँ? मुझे चाहिए सोने के गहने, वो भी मेरी बेटी के लिए। इसके बदले मैं तुम्हें एक खास बात बताऊंगी। क्या खास बात करनी है बताइए। मेरी पोती के नाम से उसके दादाजी सोने की मोहरे रखे गए हैं। वो सब मोहरे इस पोटली में बंद है। जीवन भर तकलीफें झेली पर मैंने मोहरे नहीं बेची। तुम्हें इसके बदले में मुझे सोने के गहने देने होंगे। हो जाएगा, इसके बदले बहुत सारे गहने बना दूंगा मैं दादी माँ, बहुत सारे, लेकिन वक्त बहुत जाएगा इसमें। वो तो नहीं हो सकता बेटा, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। अच्छा एक तुम काम करो, ये सोने की मोहरे रख लो और जितने तुम्हारे पास बने हुए गहने हैं वो मुझे दे दो, मुझे गहने इसी वक्त ले जाना है, बाद में तुम ये मोहरे गिनकर अपने पास रख लेना। इतनी मोहर के हिसाब से जितना गहना होता है उतना गहना तो मेरे दुकान में भी नहीं है। जितने भी तुम्हारे पास बने गहने हैं वो सब के सब दे दो, नुकसान होगा वो मेरा होगा। ठीक है कोई बात नहीं। अरे बाप रे, मैं तो एक ही दिन में राजा बन जाऊंगा, वाह। क्या हुआ, तुम्हारे दुकान में इतने गहने नहीं है क्या? अरे है ना बुढ़ी माँ, है ना। अभी दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ, भी देता हूँ। दुकान के सारे गहने लेकर जाओ, बस मुझे ये मोहर की थैली देकर चले जाना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलो बेटी चलते हैं, अब हमें बहुत दूर जाना है। सोनार बाबा तुम अपनी मोहरे गिन लेना हमारे जाने के बाद। मोहरे राजा के जमाने से है ना, बहुत कीमती है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। दादी दादा। अरे वाह, इतनी सारी सोने की मोहरे, अरे भाग्यवान। अरे बाहर आओ, जिंदगी में हम किसी को नहीं भी ठगेंगे ना, फिर भी हम गरीब नहीं होंगे। देखो मुझे, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, पागल हो गए? नहीं भाई नहीं, एक बूढ़ी माँ आई थी, वो चार गहने के जगह सोने की मोहर वाली थैली देकर चली गई, वो भी राजा के। क्या कह रहे हो, राजा का मोहर? मुझे दिखाओ, जल्दी से दिखाओ, दो दो दो, जल्दी दो मुझे। अरे ये क्या, ये तो सोने के सिक्के नहीं, लोहे के सिक्के हैं। देखिए कितने सारे लोहे के सिक्के हैं ये।
जिंदगी में मैंने सब लोगों को ठगा, लेकिन आज एक बूढ़ी आकर मुझे ठग कर चली गई। वो इतने दूर जा नहीं पाई होगी, अभी जाकर इसे पकड़ता हूँ। बूढ़ी कहाँ है बूढ़ी? असली सोने के गहने लेकर तूने मुझे लोहे के सिक्के दिए, हाँ? अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? अभी तेरी चालाकी निकालता हूँ बूढ़ी। ये गहने मुझे वापस दे दे। क्यों? अगर तुम असली पैसे लेकर झूठे गहने दे सकते हो तो मैं झूठी मोहरे देकर असली गहने क्यों ना लेऊं भला? अब कैसा लग रहा है तुम्हें बताओ? बकवास बंद करो, मेरे गहने वापस दो। मैं कोई बूढ़ी माँ नहीं हूँ, मैं तो भाग्य की देवी हूँ। तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। तुम्हारे लोभ के कारण और लालचीपन के कारण ये अनाथ लड़की आज रास्ते पे आ गई। आज इस अनाथ लड़की के सर पे अपने ससुराल का छत नहीं रहा। माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं ठगूंगा। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे आपके दर्शन मिल गए तो मैं धन्य हो गया माँ। जिंदगी में कभी किसी को नहीं ठगूंगा। बहन, मेरी बहन, आज से ये सारे गहने तुम्हारे हुए और तुम्हारे ससुराल आकर मैं तुम्हारे साथ माफी भी मांग लूंगा और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस भी मिल जाएगा। बहन मेरी बात का भरोसा करो, सच में तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस मिल जाएगा।